कर्म का चैप्टर अपना चल रहा है, लगभग बहुत कुछ चर्चा अपन कर चुके हैं, अपना रिवीजन चल रहा है इतना इसका। कल कर्म के अपन ने कर्म बंध के चार भेद कहे थे, कौन कौन से वो चार भेद पर गौर। कर्म बंध के चार भेद भीगने के तो कपड़े बदल लो, जैसे बुखार आने का काम है ये सब। कर्म बंध के चार भेद कौन कौन से, नहीं हाथ खड़ा करना होता है और इसको अपने को समझाना भी थोड़ा सा एक दो लाइन में बताओ, कौन बताएगा बताओ, भाभी जी बताओ। प्रकृति प्रदेश के अनुभाग बंध को अपन के समझ सकते हैं, काल और भाव से। इसमें से द्रव्य क्या है, हाँ स्वभाव, प्रकृति स्वभाव। तो द्रव्य प्रकृति क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को क्या क्या है, प्रकृति क्या है, द्रव्य के क्षेत्र की काल की भाव है, और प्रदेश स्थिति काल, और अनुभाग भाव। चार भेद है प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध। इसमें कार्यकारी कौन है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध में कौन भगवान है, स्थिति और अनुभाग। स्थिति माने कितने काल तक वो जीव के साथ रहेगा और किस प्रकार का वो जीव को फल देगा, उसकी कितनी तीव्रता और मंदता होगी फलदान देने में, वो अनुभाग बंध। स्थिति और अनुभाग बंद होता है कषाय से, और प्रकृति और प्रदेश बंद होता है योग से। कितने परमाणु आएंगे इसको डिसाइड करेगा योग, किस जाति का कर्म आएगा ये भी योग। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। इसलिए यदि कषाय नहीं करे जीव तो स्थिति और अनुभाग बंद नहीं होगा, प्रदेश बंद होगा तो उससे कोई नुकसान नहीं। आए कर्म परमाणु कितने आए, भगवान को भी कर्म परमाणु आते हैं, लेकिन उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ता है, स्थिति नहीं पड़ती उसकी, एक समय के आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए वो उनके लिए दुखरूप नहीं होते। तो स्थिति और अनुभाग ही खतरनाक है, मैंने कितने काल तक फल देगा और कितना अधिक तीव्र फल देगा, यही बात सोच ना। इसलिए जिनको कर्म बंध नहीं करना हो वो क्या नहीं करे, कषाय नहीं करे। योग तो ठीक है, योग से कोई दिक्कत नहीं है, मनोवचन कहेगा योग कैसे ही हो, लेकिन यदि वो कषाय सहित है तो वो स्थिति अनुभाग बंध का कारण है। इसलिए जिन्हें कर्म बंध से कर्म बंध नहीं करना हो कषाय नहीं करें। कषाय का मतलब यहाँ अकेला कषाय, कषाय मतलब मिथ्यात्व प्लस कषाय इज इक्वल टू कषाय। यहाँ सामान्यतः मिथ्यात्व और कषाय दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, कषाय। नवीन बंध के कारण भी यही है, नवीन स्थिति का अनुभव का कारण भी है। क्या इसलिए स्थिति और अनुभाग बंद नहीं करना तो कषाय नहीं करे, मिथ्या तो कषाय बढ़ना। योग वो इतना मतलब योग से कर्म आते हैं, लेकिन स्थिति डालने वाला कौन होता है, कषाय। कितने काल तक रहेंगे, कितना फल देगा, ये सब डिसाइड कषाय करेंगे। ठीक है, तो चार प्रकार के बंध बनने समझे, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग। अब जब हम इन आठ कर्मों में अपने को पुण्य और पाप का विभाजन करना है, कितने कर्म पुण्य और कितने पाप, बताओ कौन बताएगा, कितने पुण्य कितने पाप, मैं बताता हूँ पहले। ज्ञानावरणीय पुण्य की पाप, पुण्य नहीं हो सकता ज्ञानावरणीय पुण्य की पाप, वेदनी पुण्य की पाप, साता होगी तो पुण्य, साता होगी तो पाप। ऐसे ज्ञानावरणीय में भी कुछ ऐसा है कि कोई पुण्य और कोई पाप है,
कोई सा ये हो तो पुण्य और ये हो तो पाप, ऐसा भी है उसमें नहीं है ना? क्या है नहीं, ज्ञानावरण है ना, ज्ञान के ऊपर आवरण डालता है। ज्ञानावरण कौन सा अच्छा है, कौन से ज्ञान का आवरण अच्छा है? नहीं नहीं, कौन से ज्ञान पे आवरण डालना अच्छा है? ज्ञान पे आवरण डालना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो पुण्य की पाप है, पाप है, ज्ञानावरण सब पाप ही है। अच्छा नींद क्यों, नींद अच्छी चीज है कि नींद बहुत अच्छी आती है? ऐसी गहरी नींद आती है कि मजा आ जाता है, मेरा चैन की नींद आती है मेरे को। लोग कहते हैं मैं तो बहुत सुखी हूँ, क्यों, क्योंकि मैं तो बैठे बैठे सो जाता हूँ। तो ये पुण्य का होता है कि पाप का होता है? पाप का होता है ये ज्यादा नींद आना, गहरी नींद आना। दर्शनावरणी कर्म सब पाप ही पाप है, पांचों नींद पाप है। चक्षु दर्शनावरण पुण्य की पाप है, पाप ही है, उससे आत्मा का घात ही है। अचक्षु दर्शनावरण सब घात ही करता है आत्मा के गुणों का। जो आत्मा के गुणों को घाते है वो भी यदि पुण्य हो जाएंगे तो पाप क्या होगा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, इनको आवरण करने वाले जितने भी कर्म है सब पाप है। केवल दर्शनावरण पुण्य की पाप है, क्यों? केवल दर्शन को आवरित करे वो कर्म अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, वहां पाप है। ऐसा तो चारों दर्शनावरण ही और पांचों निद्राएं, मैंने पांचों ही निद्राएं जो कि दर्शनावरण के भेद है, नौ के नौ दर्शनावरण कर्म पुण्य की पाप है, सब पाप है। अब आओ अंतराय पे। अंतराय, दान में अंतराय डाले, भोग में, उपभोग में, लाभ में, वीर में, अपनी शक्ति को प्रकट न होने दे, पुण्य की पाप है। कौन से पुण्य, कौन से पाप? सभी पाप है पांचों ही, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, सब पाप है। इसलिए ये ज्ञानावरण भी पूरा पाप, दर्शनावरण भी पाप, अंतराय भी पूरा पाप। अब मोहनी पे आओ। मोनी के कितने वेद कहे थे? मोनी के मूल में दो दर्शन मोनी चाहे थे। दर्शन मोनी कितने वेद कहे? तीन। अब इन तीन में से कौन कौन से पाप? तीनों पाप। मिथ्यात्व तो पाप है, सम्यक मिथ्यात्व भी पाप है। सम्यक पाप है कि पुण्य? सम्यक भी पाप ही है, क्योंकि वो भी दोष उत्पन्न करती है कोई, सम्यक को निर्मल नहीं करती है, पाप ही है तीनों। अच्छा अनंत अनुबंधी कषाय पुण्य की पाप, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संयोजन, आश्रित्य आदि, हंसना अपने को अच्छा लगता पाप है, वो सब पाप का पाप प्रकृतियां हैं सब। सब पाप करती है, जीव के स्वभाव का घात करती है, सुख शांति का, निराकृता का घात करती है, आचरण का घात करती है। हो गए चारों घातिया कर्म, तो चारों घातिया कर्म एकांत से पाप। और ये चारों घातिया कर्म जीव को सतत बंध रहे कि नहीं बंध रहे? जब अपन पूजा पाठ करते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, क्लास में बैठे हैं, तो बंध रहे कि नहीं बंध रहे? सब बंध रहे हैं। बस यही है कि इनमें कषाय कम होगी तो स्थिति और अनुभव कम पड़ेगा, बाकी बंद सब रहे। और वो भी जो मिथ्या दृष्टि की योग की जो बंद है, जितनी स्थिति उतना तो वो बंद ही दिया है, चाहे कुछ भी कर ले और सम्यक दर्शन प्रकट कर ले तो चाहे कुछ भी पाप भी करे तो भी उसकी जो स्थिति है, रेंज है, तो उस रेंज में ही उसको बंधेगा। सब दोनों की श्रद्धा के कारण से अंतर है। तो घातिया सब क्या है? पाप। अब आओ घातिया पे। घाती में सबसे पहले वेदनी कर्म में साता वेदनी पुण्य अपने अच्छा लगता है ना, ये तो सब कर्म तो पाप ही है, लेकिन फिर भी साता वेदनी के उदय के लिए तो बहुत अपने को चाहत है, सब अनुकूल सहयोग मिले, पैसा रहे, अनुकूलता मकान दुकान रहे, ये तो इसके लिए तो अपनी जिंदगी है मानो। तो ये पुण्य रूपना अपने जीव को सुहावना लगती है ना, ये जो जीव को सुहावना लगे पुण्य है, जो जीव को सुहावनी नहीं लगे
पाप है। तो साता वेदनी पुण्य, असाता वेदनी पाप है। अब अपन आओ गोत्र में, उच्च गोत्र पुण्य के पाप, नीच गोत्र पाप। सीधी सरल बात है। आयु नरक, आयु नरक आयु पुण्य की पाप तेरी चाहिए पाप है। गाय को मरना अच्छा लगता है, नारकी को मरना अच्छा लगता है? हाँ, नारकी को मरना अच्छा लगता है। नारकी हर समय भावना बहाता है कि मेरा यहाँ से छुटकारा हो। इसे नरक आयु तो वास्तव में पाप रूपी है, क्योंकि नारकी कभी भी अधिक समय जीना नहीं चाहता। अधिक समय का एक समय नहीं जीना चाहता। नारकी सतत ये भावना करता है क्या कि यहाँ से कब मेरा छुटकारा हो। इसलिए नरक आयु पाप रूपी, इसलिए तो नरक निकल के नारकी निकल के कभी भी संगी पंचेंद्री से कम नहीं बनता, क्योंकि निरंतर उसमें अनासक्त भाव रहता है। उस पर्याय कभी उसको उस पर्याय में आसक्ति नहीं होती, निरंतर भावना होती है यहाँ से कब छूटू कब छूटू कब छूटू। जैसे किसी आदमी को निरंतर ठंडे पड़ रहे हो तो उसकी आसक्ति रहेगी क्या? देव की आसक्ति रहती है, देव मर के एक इंद्री बन जाता है। नारकी कभी मन के एक इंद्र नहीं बनता, पंचेंद्री बनता है कम से कम। तो इसलिए नरक आयु तो पाप रूपी है, क्योंकि वो जीव चाहता नहीं है उसको। और त्रियंश आयु को जीव चाहता है कि जिसको त्रियंश आयु मिली है वो उस त्रियंश पर्याय में रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। कोई त्रियंश मरना चाहता है? कोई नारकी जीना चाहता है? नहीं। और कोई त्रियंश मरना चाहता है? नहीं। चींटी भी मरना नहीं चाहती। कीड़ा, गंदा कीड़ा नाली का मरना नहीं चाहता। पसारी, गंदगी में रहने वाली मरना नहीं चाहता। मच्छर मरना नहीं चाहता। पेड़ पौधे मरना नहीं चाहता। कोई मरना नहीं चाहता त्रियंश। तो त्रियंश आयु पुण्य पाप नहीं। मनुष्य आयु, मनुष्य में भी कोई मरना नहीं चाहता पुण्य। देवायु महापुण्य। क्या है कि आखिरी में जब माला भूल जाती है तो वो ऐसा होता है जैसे मैं सब कुछ जा रहा। अंत समय फिर माला आ गई मुरझाए हो मानी ने तड़ी से बड़ी हुई ना अपना भगवान की पूजा। तो इस प्रकार से कितनी आयुष हुई, पुण्य हुई तीन, पाप एक। अब नाम कर्म का वो बड़ा परिवार है। आपसे समझ लो कुछ प्रकृतियां नाम कर्म की पुण्य, कुछ पाप। जैसे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री सब पाप है, पंचेंद्री पुण्य। जैसे स्थावर, दुस्वर, अशोक, अस्थिर, अयशस्कृति, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, दुर्भाग्य, ये सब पाप रूप है। आपको नाम याद होने तो ख्याल में आएगी। मैंने नाम कर्म के दो भेद है, शुभ और अशुभ। कुछ पाप है कुछ पुण्य। दिव्यांग में जिसको याद होगी उसको समझ में आएगा, तो उसमें से निकाल सकता है। याद नहीं होगी तभी बताऊंगा उनके नाम कैसे दी हुई। बहुत बड़ा परिवार है। देखो मैं आपको संक्षेप में बताया था, फिर भी किसी को याद कर पाऊँ पाँच मिनट के अंदर बताओ। नाम कर्म की प्रकृतियां सत्वा सूत्र में नाम कर्म का वर्णन आठवें अध्याय। एक सूत्र है उसमें बताया था ना मैंने, किसने बताया था उसमें बताया था। हाँ, तो चौदह तो इसमें क्या है, ग्रुप है, चौदह ग्रुप है। और जैसे ग्रुप के तो क्या ठिकाने होते हैं, कभी किसी में दो मेंबर है, किसी में तीन है, किसी में चार है, किसी में पांच है, किसी में छह। ग्रुप का कोई ठिकाना नहीं। ग्रुप कहते हैं उसके जिसके मेंबरों की संख्या फिक्स नहीं। तो चौदह तो ग्रुप है उसमें जिनके मेंबर है। जैसे गति ग्रुप, तो गति के कितने मेंबर? चार। जाति मतलब इंद्री, इंद्री के कितने मेंबर हैं? पांच। शरीर के पांच।
पांच शब्द, बंधन के भी पांच, संघात के शरीर के जैसे नाम है बंधन और संघात के नाम वो भी पांच पद, संस्थान छह, संगठन छह, स्पर्श गंध वर्ण के 20 अपन ने पढ़ा है, स्पर्श स्पर्श के 8, रस के 5, दो किसने बोले, गंध के 2, वर्ण के 5, 20 है। अनुकूली जो गति होती है उन्हीं के नाम पे अनुकूली होती है, अनुकूली माने विग्रह गति में पूर्ण शरीर के आकार बना रहता है जी, नाम कर्म की वजह से पूर्ण शरीर के आकार विग्रह गति में बना रहता है। विग्रह गति से कहते हैं एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के पहले जो बीच में जो काल है उसका नाम विग्रह गति। तो विग्रह गति में जो पूर्ण शरीर का आकार है वो अनुकूल नाम कर्म की वजह से अनुकूल हो गए, इस पर अनुकूल हो गए सब। विहाय गति इसमें ना क्या है, स्पर्श स्कंध वर्ण के तो मालूम है अपने को कितने मेंबर है, कुल मिला के 20, स्पर्श के 8, गंध के 2, रस के 5, वर्ण के 5, 20। इसके बाद में एक 20 ऐसा स्पर्श स्कंध वर्ण 4 के 20 हो गए, अगले 4 के फिर 20 है, उनमें 2 तो है, 2-2 के 6-6 मेंबर है, 2 के 4-4, 2 चौके, तो चौके कौन कौन से, 4 गति और 4 अनुकूली, 6 संस्थान और 6 संगन, कितने हो गए, 20 हो गए कि नहीं हो गए, 2 चौके 2 छक्के 20, 20 स्पर्श स्कंध वर्ण के, 20 इसके हो गए 4 गति अनुकूली संस्थान संगन, 20 और 20 40 आ रहे कि समझ में। अब 4 पंजे ले लो, 4 पंजे कौन से, एक शरीर का पंजा, शरीर के अलावा एक इंद्री का पंजा, और जो नाम शरीर का है वही बंधन और संघात करता है, तो बंधन और संघात का भी एक एक पंजा, जो शरीर का नाम है वो बंधन के नाम, पांच प्रकार के बंधन, पांच प्रकार के संघात, बंधन माने ये शरीर का बंधन होता है ना एक रूप, ऐसा नहीं कि ये परमाणु बिखर गए नहीं अलग अलग हो जाते हैं, रेत का टीला नहीं है ये अलग अलग हो जाए, और ऐसा नहीं है कि यहाँ छेद वेद हो जाए अंदर कहीं से, उस बंधन संघात की प्रकृति होती है। तो पांच ही शरीर है, पांच ही बंधन है, पांच ही संघात है, पांच ही इंद्रिय, 5 × 4 = 20, 20 20 40 और 20 60 हो गए। 3 अंगोपांग होते हैं, औदारिक शरीर अंगोपांग, विक्रेक शरीर अंगोपांग, आरक शरीर अंगोपांग, 3 अंगोपांग और 2 व्याय होती है, प्रशस्त व्याय होती है, प्रशस्त व्याय होती है, व्याय होती है किसी का शुभ गमन होता है, किसी की चाल अच्छी होती है, किसी की चाल खोटी होती है। अंगोपांग किसको कहते हैं, हाथ पैर, हाथ पैर अंग है, उंगलियों के लिए क्या है उपांग, अंगोपांग की रचना होती है ना इस नाम कर्म की वजह से, तो ऐसे कुल मिला के कितने हो गए हैं 63, बताओ कोई बताएगा 63 के नाम आए क्या, 14 मेंबर हो गए, 4 स्पर्श स्कंध वर्ण, 4 गति अनुपूर्वी संस्थान सहनन, 8 और शरीर बंधन संघात इंद्री, 8 और 4 12, व्याय गति 13 और अंगोपांग 14, ये 14 ग्रुप है, इन 14 कितने मेंबर हो गए 63, स्पर्श स्कंधन के 20, गति अनुपूर्वी संस्थान सहनन के 20, शरीर बंधन संघात और इंद्रिय के 20 और व्याय गति और अंगोपांग के 5, औदारिक शरीर, विक्रेक शरीर, आरक शरीर, तेजस शरीर, अपना कौन सा शरीर है, कितने शरीर है अपने साथ, एक ही नहीं किसके नहीं है, कामार्ट शरीर का हमारा कहाँ है, अच्छा मेरे मालूम था ऐसे, जिस नए से पूछा जाए उस नए से उत्तर देना, तुम जब कोई पूछे कि तुम्हारी पत्नी कौन है तब बोल रहे हो, एक भी नहीं है तो कितने हो गए, 5 ए 5 शरी 5 बंधन 5 संघात 5 इंद्रिय और अंगोपांग 3 और 2 व्याय हो गए 65, बताओ कौन बताएगा, देखो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इस तो लगेगी पर ये नाम कर्म के नाम तो याद नहीं, अब जो समझ में आया कि कितना इसका जंजाल है सारा, इस
शरीर की रचना हो रही है नामकरण के वजह से, इंद्रिय मिली नामकरण के वजह से, सब शरीर बंधन सब गति जाति गति मिली मनुष्य गति नामकरण के वजह से, गति जाति शरीर अनुपम। अभी अपने कितने शरीर है? तीन है, तीन। कौन कौन से होता है? गति कितनी है अपने? गति गति कितनी है अपने? एक। जाति इंद्री कितनी? इंद्री अभी कितनी है? पांच इंद्री, मतलब एक इंद्री का उदय होता है किसी को, दो इंद्री का, किसी को तीन इंद्री का उदय, किसी को चार इंद्री का उदय, किसी को पंच इंद्री का उदय। अभी अपने को कितने का उदय? छह। पंचेंद्री का, मन का काम अलग होता है, शरीर की रचना हो रही ना, पंचेंद्री का उदय है तो एक का ही उदय है, मतलब या तो एक इंद्री का उदय होगा तो एक इंद्री बनेगा, दो इंद्री का उदय होगा दो इंद्री बनेगा, एक समय में तो एक ही बनेगा ना, एक इंद्री बन जाएगा पंचेंद्री बन जाएगा। अभी एक इंद्री का भी उदय है, दो इंद्री का भी, यूं पूछूं कि इंद्रिया कितनी है तो पांच है, कितने इंद्री नामकरण का उदय है? एक का, पंचेंद्री का। शरीर कितने हो गए? गति जाति शरीर अंगोपांग कितने अभी अपने? अंगोपांग कितने अंगोपांग है? तीन। तेजस कालमान के अंगोपांग होते हैं, कालमान के भी हाथ पैर होते हैं, तेजस के इन दो के अंगोपांग नहीं होते, अंगोपांग तो तीन ही शरीर के होते हैं। तो अपने कितने अंगोपांग है अभी? कितने अंगोपांग है आपने? एक ही है ना? सही, एक ही है बस। कौन सा? ओदारी करनी एक्सरसाइज में, तो पूरा कर देता आगे इसको, नाम कर छोड़ेंगे वैसे, क्योंकि इसमें मैं ये इसमें क्या है, थोड़ा भी जाओ तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, ऐसी ज्यादा दिक्कत ये। गति जाति शरीर अंगोपांग बंधन, बंधन कितने अपने? जो जितने शरीर है उतने बंधन है, उतने संघात है। संस्थान, संस्थान माने शरीर का आकार प्रकार, छह प्रकार का आकार होता है। एक तो सर्वांग सुंदर, शरीर के सारे अव्यय यथा प्रमाण में हो, जितना हाथ होना चाहिए उतना ही हाथ, जितनी नाक होनी चाहिए उतनी नाक, सब प्रोपोर्शन में, सब अपने प्रमाण में, सब चतुर संस्थान और सब उबड़ खाबड़, किसी के कान बढ़ रहे हैं तो किसी की आंख बढ़ रही है, किसी की नाक, किसी के मुंह, किसी के हाथ, किसी के पांव, कुछ भी चाहे जो कुंडल संस्थान, उसके बीच के चार ओर होते हैं, किसी के नीचे का हिस्सा लंबा होता है ऊपर टिकना होता है, किसी का ऊपर लंबा होता है नीचे टिकना होता है, कोई गुना बोना होता है, कोई कुबड़ा होता है, ऐसे नाना प्रकार के शरीर के आकार होते हैं। तो एक समय में एक जीव को एक ही संस्था, एक समय में एक ही संस्था, सम्मिलन हड्डियों की ताकत होती छह प्रकार की, तो एक समय में एक ही अपना भी सबसे सब अपने तो लास्ट लास्ट वाला है, सब जो सबसे गंदे गंदे हैं, सबसे हीन है, वो सब अपने को मिले हुए हैं। पर गति अच्छी मिली हुई है, इंद्रियां अच्छी मिली हुई है, शरीर भी अच्छा है, अंगोपांग भी अच्छे हैं, लेकिन संस्थान और साधन अच्छे नहीं। स्पर्श करने वाले तो सबको मिलेंगे 20। अनुकूल भी अभी अपने अपने अनुकूल भी का उदय नहीं, अनुकूल भी केवल निग्रह गति में होती है, अनुकूल भी पूर्ण शरीर का आकार बना रहता है, उसके अंदर से पहले के शरीर का आकार विग्रह गति में बना रहता है। आत्मा का कोई कोई आकार करेगा, किसी ने कोई चीटी मरी और हाथी बनने जा रही है तो बीच में क्या आकार देगा उसका? चीटी का रहेगा कि हाथी का रहेगा? बीच में क्या रहेगा? चीटी का रहेगा। तो वो चीटी का आकार जो है वो अनुपूर्वी नामकरण के उदय से बना हुआ, मतलब वो विग्रह गति में पूर्ण शरीर का आकार उसका बना रहता है, अनुपूर्वी का एक काम, वो केवल उसका रोल विग्रह गति में बस, बाकी समय उसका कोई काम नहीं, एक समय दो समय तीन समय पूर्ण शरीर का आकार बनाता है, जो भी पिछला था, जो भी पिछला शरीर का आकार था उस शरीर का आकार भी, उस शरीर के आकार रूप आत्मा के प्रदेश बने रहेंगे, शरीर तो अभी बनना चालू ही नहीं हुआ है, तो आत्मा के प्रदेशों का शेप क्या रहेगा, अगला वाला रहेगा कि पिछला वाला रहेगा? पिछला, अभी अगला तो बनना चालू ही नहीं हुआ, तो पिछले वाला जो शरीर था उस शरीर के आकार रूप आत्मा के प्रदेश रहते हैं, कब तक? जब तक नया शरीर बनना चालू नहीं होता, जैसे नया शरीर बनना चालू होता है पुराना छोड़ देता है, नया शरीर का आकार होने लगता है धीरे 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 धीरे, फिर उसकी ग्रोथ होने लगती है। हाँ, तो जो
विग्रह जिस भी गति में जा रहा है उस अनुभूति का होता है, मनुष्य गति में जा रहा है तो मनुष्य अनुभूति का होता है, तिरंज गति में जा रहा है तिरंज अनुभूति का होता है, जो जिस गति में जा रहा है उसको उसी अनुभूति का होता ही रहता है, और आकार रहता है उसका पिछले वाले हो गई गति जाति हो गए अनुभूति व्याय गति चाल कैसी अच्छी की बुरी वो भी एक ही होती है एक काल। तो ये इस प्रकार के 14 ग्रुप है जिनके 65 मेंबर हैं, 8 ब्रह्मचारी प्रकृतियां हैं, आताप शरीर की प्रभा जिसकी उष्ण होती है जैसे सूर्य का बिंब, उद्योग जिसके शरीर की प्रभा शीतल होती है उद्योग नाम कर्म का होता रहता, चंद्रमा का बिंब अथवा जुगनु उसको उद्योग नाम कर्म का होता है, अगुण लघु शरीर ना तो एकदम हल्का हो ना एकदम भारी हो, मतलब हवा हवा तेज चल जाए अगर उड़ ही जाए ऐसा नहीं होता अपने साथ, अपना अगुण लघु नाम कर्म का होता है, हर जीव को इसका उदय रहता है एक तरह से, उसको अपना शरीर एकदम उसके लिए वो शरीर उसको भारी नहीं होता और न उसके लिए वो एकदम हल्का होता, न गुरु है न लघु है, वो अगुण लघु नाम कर्म के उदय से निर्माण शरीर का निर्माण जिसके उदय से होता है वो निर्माण नाम कर्म, अगुण लघु निर्माण आता उद्योग पर घात उपघात अपने अंगों से अपने शरीर का घात हो, ऐसे अंग मिले जो अपने घात करने में जो अपने जिससे अपन अपना घात कर सकते हो, करे जरूरी नहीं है, ऐसे अंगों पांग मिलना जो अपने घात में जो अपना घात करने में समर्थ हो तो वो उपघात नाम कर्म का उदय हो, ऐसे अंगों पांग मिलना जिससे हम दूसरे का घात करने में समर्थ हो वो परघात नाम कर्म का उदय, ऐसे ये हुआ कितने हो गए ये अगुण उच्छ्वास एक उच्छ्वास नाम कर्म का उदय, श्वास लेना लेना छोड़ना उच्छ्वास नाम कर्म के उदय जिसके कारण से श्वास लेने लेने छोड़ने की शक्ति उसमें रहती है, और एक एक तीर्थंकर नाम कर्म जिसके उदय से जीव तीन लोक के द्वारा पूज्य होता है जिसकी सबको चाहत रहती है, ये 8 प्रकार की ब्रह्मचारी प्रकृति है, मैंने इनका किसी से कोई संबंध नहीं है, किसी ग्रुप में नहीं है किसी जोड़े में नहीं है किसी में कुछ नहीं, और 10 होते हैं जोड़े जो परस्पर प्रतिपक्षी होते हैं, मैंने एक होता है तो दूसरे नहीं होते, प्रतिपक्षी जोड़े पंचम काल के जोड़े मैंने आपस में उनका ऐसा संबंध है 36 का, मैंने वो होगा तो वो नहीं होगा, जैसे त्रस का उदय होगा तो स्थावर का नहीं होगा, सुभग का होगा दुर्भग का नहीं होगा, सुस्वर होगा दुस्वर नहीं होगा, जैसे 10 जोड़े हैं देखो त्रस बादल पर्याप्त प्रत्येक, त्रस के उदय से 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के अंदर उत्पन्न होता है, बादल माने शरीर बादल होता है रुक भी जाता है रोग भी देता है, प्रत्येक एक शरीर का एक स्वामी होता है निगोदिया नहीं होता, और त्रस बादल पर्याप्त होता है माने शरीर की पर्याप्ति पूरी होती है उसके पहले नहीं मरता, तो 4 तो ये है, और फिर स्थिर शरीर के अव्यय स्थिर होते हैं, ऐसा नहीं कि खून यहाँ आए कभी से यहाँ आ जाए कुछ भी, मतलब सड़कती नहीं कुछ चीज़ें जैसे किडनी विडनी किसी की होती है सड़क जाती है कहाँ की कहाँ का बीमार हो जाता है, तो उनके बिल्कुल जैसे स्थिर नाम कर्म का उदय होता है उसकी भी सड़कती जो अव्यय जो अंगों पांग जाए नहीं नहीं ठिकाने शरीर की धातु अपने ठिकाने रहती है, और जिनके अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है उनकी शरीर की धातु धातु अपने ठिकाने नहीं रहती चल जाती है, ऐसे ही एक स्थिर शुभ शरीर के अव्यय शुभ हो अच्छे और सुंदर लगे दिखने में और शुभ नाम कर्म का उदय शरीर के अव्यय सुंदर लगे अशुभ है, सुभग भाग्य जिससे लोक में अपनी प्रशंसा मतलब सुभग मैंने भाग्य अच्छा लोग प्रशंसा करें कि वो यशस्वी कृति में जाएगा, सुभग में तो ये है कि बस उसका भाग्य सुभग मैंने भाग्य अच्छा भाग्यवान हो, और दुर्भग दुर्भाग्य सुस्वर स्वर अच्छा हो कोयल जैसा और दुस्वर गर्दब जैसा स्वर हो, गर्दब मतलब समझे ना, और यशस् कीर्ति अपने को ऐसा लगे कि अपना सब जगह यश फैल रहा है, और अयशस् कीर्ति ऐसा लगे कि सब जगह अपना अपयश फैल रहा है, ऐसे ही स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभाग दुर्भाग यशस् कीर्ति अयशस् कीर्ति सुस्वर दुस्वर एक और बचा है आधे अनाधे, आधे दूसरे लोग अपने से प्रीति करें और एक ऐसा है कि दूसरे लोग अपने से प्रीति ना करें कुछ भी करें प्रीति नहीं करें, तो ये सब कर्म के उदय में है, ये सब काम ये सब कर्मोदय का काल है, जैसे 6 जोड़े ये और त्रस बादल पर्याप्त प्रत्येक इनके उल्टे क्या होंगे
स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण। साधारण की वजह से निवोदिया बनता है, अपर्याप्त की वजह से पर्याप्ति पूरी नहीं होती, पहले ही मर जाता है, एक भी पर्याप्ति पूरी करने के पहले मर जाता है। और सूक्ष्म होता है शरीर जो न किसी को रोकता है न रुकता है, और साथ में एक और स्थावर होता है एक एनर्जी। ऐसे चार प्रकार की कर्म समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फटाफट ले लिया हमने थोड़ा कर्म कांड पढ़ा दिया आपको, कर्म कांड है कर्म कांड का विषय। तो चार ये है छे वो त्रस बादर, त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त साधारण प्रत्येक स्थिर अस्थिर शोक अशोक शुभ दुर्भ आदि अनादे यश यशस्व सुस्व दुस्व सुबह दुर्भ हो गए दस। ऐसे दस है, दस जोड़े में से एक समय में एक थे। सुस्वर होगा तो दुस्वर नहीं होगा, आधे होगा तो अनादे नहीं होगा, स्थिर होगा तो अस्थिर नहीं होगा, शुभ होगा तो परमाणु अलग है, वर्गना अलग है। एक बात है अस्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, इन चारों का एक साथ उदय हो सकता है, बाकी तो छह ऐसे बाकी आठ ऐसे हैं जिनमें परस्पर में एक ही होगा एक काल, लेकिन ये दोनों का एक साल हो सकता है। बंद भले ही एक का एक काल नहीं होगा, मतलब स्थिर अस्थिर में एक ही बंद होगा, शुभ अशुभ में एक ही बंद होगा, लेकिन उदय दोनों का रह सकता है। और बाकी छह में बाकी आठ में तो ऐसा है कि बंद भी एक ही होता है उदय भी एक ही होता है। ठीक है, ये त्रस का बंद कर रहे हैं तो स्थावर नहीं बंद, त्रस का उदय है तो स्थावर का उदय। अभी अपने दस में से कौन कौन का उदय, त्रस का उदय कि स्थावर का, बादल का है कि सूक्ष्म का, पर्याप्त का है कि अपर्याप्त का, साधारण का है कि प्रत्येक का, साधारण का किसको है, साधारण माने एक श्री के अनंत स्वामी निगोदिया पोता प्रत्येक है सब। चार हुए स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ तो दोनों का है चल, और सुभाग्य की दुर्भाग्य ये कोई अपने मन में बोल रहा है कोई आधे अनाधे यश कृति यशस कृति और सुस्वर दुस्वर, ये जो भी है जिसका जो भी है किसी को अपन सर्टिफिकेट दे सकते। हाँ ये हो सकते हैं चार, बाकी तो फिक्स है वो त्रास बादर पर्याप्त प्रत्येक फिक्स है वो अपनी जिंदगी पर्याप्त, चार तो फिक्स है, चार और छह, हाँ छह तो वो बराबर है, बाकी चार में चेंज हो सकता है, कभी स्वर अच्छा हो कभी हो ही ऐसा, यश कृति यशस कृति बदल जाती है, आधे अनाधे बदल जाता है, सुबह दोपहर भी बदल जाता है, छह चार ऐसे ही है। इस तरह के ये अपने पूरा कर्म है, नाम कर्म ऐसे प्रैक्टिकल चीजें हैं सब अपने अनुभव में आती है। इस प्रकार ये नाम कर्म का परिवार है, ये नाम कर्म का जो भी उदय सब शरीर में, असली चीज समझने की जो है वो सब मोहनी के अंदर, क्योंकि क्या है ये अघात्या कर्म जीव का ऐसा बिगाड़ नहीं करते जैसा बिगाड़ घातिया कर्म, क्योंकि अघात्या कर्म तो आरंभ भगवान को भी होते, उनके उदय है उनके आरंभ भगवान के, उदय भी है सत्ता भी है, लेकिन उससे कुछ बिगाड़ नहीं, असली बिगाड़ जो है वो इस जीव को मोहनी कर्म से है, घातिया कर्म से, क्योंकि वो सीधे आत्मा के गुणों का घात करते, इसलिए घातक थी चीज तो हुई। तो निर्बल है जड़ ये, इससे तो कुछ मतलब अघात्या कर्म तो संयुक्त कराते हैं, इनकी ताकत भी सब मोहनी के साथ है, मोहनी चला गया तो इनकी कोई शक्ति ही नहीं। ठीक है, ये हो गए अपने, देखो नाम कर्म भी पूरा हो गया। अब अपने को एक चीज समझनी है इसमें, कर्म की दस अवस्थाएं होती है, कितनी दस, कौन कौन सी, देखो एक तो बंधता है, देखो आपको मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं, जैसे अपन सब्जी खरीद के लाते हैं, खरीद के लाए, फिर खरीद के लाने के बाद में आज की खरीद के लाए, फिर बनाई उसमें से, तो अपन खरीद के तो लाए पांच, आज कितनी बनाएंगे, एक बनाएंगे, चलो मैं डबल कर देता हूँ, दस लेके आए तो कितनी बनाएंगे, दो तीन जितनी बनाएंगे, ठीक है ना। और सत्ता में तो पड़ी रहेगी ना, और कल की भी कुछ सब्जी पड़ी रहेगी, आज भी जो बची होकर पची, सत्ता तो बहुत पड़ी रहती है, स्टॉक पड़ा रहता है, और खाते जितनी है उतनी खाते हैं, लाते हैं उतनी लाए, जितनी लाए वो, तो जो लाए
नई लेके आए सब्जी, वो क्या नया बंद किया, जो भोग रहे हैं आज वो क्या है उदय, और जो भी स्टॉक में पड़ा हुआ हमेशा उसका नाम क्या सत्ता। माने कर्मों का नवीन आना वो बंद है, कर्मों का फल भोगना वो उदय है, और कर्मों का आत्मा में बना रहना वो सत्ता है। तीन चीजें बंद, उदय और सत्ता। लोग भी ऐसे होता है कि माल परचेसिंग सेलिंग स्टॉक, ये तीन चीजें हम, और क्या है बिजनेस परचेस सेल स्टॉक, ऐसे ये कर्म की, कर्म का बिजनेस, कर्म कितना मानते हैं नया, कितना खर्च करते हैं और कितना स्टॉक में बढ़ाते हैं। ये बंद उदय और सत्ता, नुकसान किससे होता, उदय से बंद से की सत्ता से। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है बंद है, सबसे ज्यादा बुरा बंद, और ये बंद से ही नहीं डरता है, उदय से डरता है। मेरे पाप का उदय नहीं आया, मेरे को तकलीफ नहीं आ जाए, अरे तू क्यों, पाप का उदय तो यदि पाप बांधेगा तो आएगा, पाप बांधने से नहीं डरता है, पाप तो मैं बांधूंगा और उदय नहीं आएगा मेरे पाप, पाप इतना समझदार है। तो भाई तुम जैसा परचेसिंग मतलब करोगे, यदि तुम जैसा करोगे तो फल तो भोगना ही पड़ेगा ना, यदि पाप के उदय से भय खाते हो तो पाप बांधो ना, पाप कैसे बनता है, मिथ्या कषाय भाव से पाप बनता है, मत करो मिथ्या कषाय भाव कैसे नष्ट हो, तो तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान का उपाय करो, क्या तत्व क्या है, वस्तु स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप नहीं समझेगा तो कोई मिथ्या कषाय जाने वाली ऑटोमेटिक कोई चीज तो ही नहीं, मैं कोई काम करूं उससे मेरी कषाय चली जाएगी, क्या किया जाए जिससे कषाय चली जाए, बताओ कितने उपवास करे इससे मेरी कषाय मिल जाएगी। क्या क्या छोड़ दें अपन कुछ नहीं, वो तो समझने से जाएंगे मिथ्या कषाय, मिथ्या कषाय का अभाव तो मिथ्यात्व कषाय क्या है, ये बुरे हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं है, दुखदायी है, आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, कर्म बंध के कारण, ये सब समझेगा तो उससे डर का डर है, कर्तव्य धर्म, आलू भी रात को नहीं खाते, जमीकंद नहीं खाते, रोज मंदिर में पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अब क्या मर जाएंगे, अब क्या करें, दुकान का टाइम है, दुकान करते दिन में दुकान करते सुबह मंदिर करते, अब और क्या करेंगे इसके अलावा, तो बस हो गया मतलब एक 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 पूरा हो गया अपना पूरा, अब वो क्यों करते हैं, इनका क्या उद्देश्य है, तो हमने खबर ही नहीं, इसका मूल उद्देश्य तो अपना मिथ्या कषाय भाव मिटे, क्या प्रहार तो उसमें करना है, वो तो वो उसको समझ से ही जाएगा, वो मिथ्या तो कषाय विपरीत मान्यता, मान्यता को ठीक करने से ही जाएगी, विपरीत मान्यता तभी दूर होगी जब वो सही वस्तु स्वरूप समझेगा, तो अपने आप विपरीत मान्यता दूर हो जाएगी, वस्तु का सही स्वरूप समझना ही अज्ञान दूर करने का उपाय है, अज्ञान दूर करने का और क्या उपाय है, अज्ञान दूर करने का उपाय अज्ञान दूर करना ही है, मतलब ज्ञान करना ही ज्ञान दूर करने का उपाय है, वो सब उसके लिए मतलब जो भी कर रहे हैं अपन उसका कोई विशेष मत समझना, लेकिन उसमें अपना उद्देश्य अपने को याद रखना चाहिए, हम जो भी काम कर रहे हैं हमारा ध्येय क्या है, मिथ्या कषाय का अभाव, हम इसको बढ़ाने के लिए नहीं आए, हम इसको खत्म करने के लिए आए, ये अपना लक्ष्य ये है कि इस पर प्रहार होना चाहिए, ये नहीं बच जाए, ये चोर सुरक्षित नहीं रह जाए, समझा ना, क्यों, क्योंकि कर्म बंध का कारण वही मिथ्या कषाय भाव, और कोई कर्म बंध का कारण नहीं। तो हम जो है ना नवीन बंध जो है, नवीन बंध तो तभी मिटेगा, देखो भैया घातिया कर्मों का यदि बंध मिटना है अपने को, तो यदि हम उसकी विधि जो है, जो घातिया कर्मों के बंध के मिटने का जो उपाय है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, उसके अलावा वो कोई तरीका नहीं है कि वो नष्ट हो जाए। अपन क्या है इतना कर सकते हैं घातियाओं में तो, कि यहाँ पाप नहीं बन रहे हैं पुण्य बन जाए, वहाँ इसलिए चेंज हो सकता है, लेकिन असली चीज जो घातिया है उसकी चिंता अपन नहीं करते, अपन ये चिंता होती है अपने पाप तो नहीं बन रहा, पाप तो नहीं बन रहा, बहुत नुकसान नहीं है पाप बनने से,
क्या ये यूं कहना चाहिए कि बहुत पुण्य बांधने से बहुत फायदा नहीं है, पाप बांधने से तो कोई नुकसान ही है, परंतु अपन ये समझ रहे हैं कि पुण्य बांध गया तो अपना फायदा हो गया, कह रहे हैं कि इसके साथ में घातिया का क्या हिसाब किताब हो रहा है उसका भी विश्लेषण कर लो। क्यों? क्योंकि उच्च गोत्र बनता है, साता वेदनी बनती है, सब बनती है पुण्य प्रकृति, लेकिन उसके साथ में घातिया बनते ही बनते बनते हैं, तो घातिया तो बन ही रहे, पाप के समय तो बन ही रहे, पाप में तो वहां बुरा है, क्या क्या पाप तो वहां बुरा है ही, क्योंकि उसमें तो चारों ही घातिया भी बन रहे हैं और अघातिया में सब पाप ही पाप बन रहे हैं, और घातिया में भी स्थिति अनुभव खूब पड़ रही है, लेकिन जो पुण्य परिणाम करके समझता है कि मैंने धर्म कर लिया है तो कह रहे हैं कि इतना हुआ है कि खोटी गति में नहीं जाएगा, अच्छी गति में जाएगा, खोटे संयोग नहीं मिलेंगे, अच्छे संयोग मिलेंगे, क्या नीच गोत्र नहीं मिलेगा, उच्च गोत्र मिलेगा, असाता का उदय नहीं होगा, साता का उदय, नरकाई नहीं मिलेगी, देवाई हो जाएगी, लेकिन ये जो घातिया कर्मों का अभाव है वो नहीं होने वाला, समझ में ना, उसका उपाय तो वो जो घातिया कर्म के नाश का उपाय तो क्या है, सम्यक दर्शन प्रकट करेगा तो मोनी वो मिथ्या जाएगा, अनंत आनंद जाएगा, अप्रत्यक्ष आनंद जाएगा, अप्रत्यक्ष आनंद कषाय जाएगी, और भी अनेक जो कर्म है उनका बंध मिट जाएगा, ऐसे कर करके कषाय मिट गई, दसवें तक सब कषाय गई, दसवें के बाद कौन से कर्म का बंध होगा, एक का भी नहीं, एक वेदनी बनती हुई एक समय जीरो, गुणस्थान किसका नाम, गुणस्थान माने मिथ्या तो कषाय का क्रम क्रम से अभाव हुआ, गुणों की बढ़वाली हुई और बढ़ता गया, जो जो गुणस्थान बढ़ेंगे जो जो कषाय का अभाव होगा तो गुणस्थान, और सबसे पहले जाएगी कौन सी मिथ्या, ये तो बंद उदय सत्ता, तीन चीज समझ लीजिए, अब सात चीजें हो रही, देखो अब एक तो है इसमें संक्रमण, संक्रमण माने अभी हमने पाप बांधा लेकिन हमारे कालांतर में परिणाम अच्छे हो गए, अभी अपने खोटे भाव से बांधा पाप, घातिया में तो जो है सो है, देखो घातिया की छोड़ दो, ये जो संक्रमण है कायम होगा ये अघातिया, तो खोटा बांधा अपन ने, और खोट क्योंकि खोटा और अच्छे का भेद अघातिया में, वहां तो सब क्या है पाप ही पाप, वहां भी जैसे पाप का आपस में संक्रमण अपन देख सकते हैं उसको, लेकिन अभी उसको छोड़ी हुई अपन तो पाप और पुण्य का संक्रमण करके समझो, तो किसी ने खोटे परिणाम किए पाप बांधा, कालांतर में उसके परिणाम बहुत अच्छे हुए, इतने विशुद्ध परिणाम हुए कि वो सारा का सारा पाप क्या हो गया, पाप बदल के पुण्य में संक्रमित हो गया, कन्वर्ट ही हो गया वो, ऐसा हो सकता है, जब तक उदय नहीं आया है उसके पहले पहले तक यदि वो परिणाम बदल जाए, मैंने जैसे किसी ने इस समय में बांधा उसको उदय आएगा 50वें समय में, 50 समय में आने के पहले उसके पास 49 समय है कि नहीं है, तो वो 49 समय में चेंज हो सकता है, ये स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम है तो ऐसा जरूरी नहीं है 70 कोड़ा कोड़ी तो उसको भोगना ही पड़ेगा, वो चाहे तो बीच में ही वो सब नष्ट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, तो आपको पूरा का पूरा पुण्य में बदल देगा, क्या तो वो क्या होता है संक्रमण, बदलना पूरा चेंज हो जाना, पाप पुण्य बदल जाना या पुण्य पाप में बदल जाना, क्या है संक्रमण, उदय बदलेगा, उदय बदले और क्या बदलेगा, उदय बदलेगा उदय बदल जाएगा, स्थिति अनुभव की वो नीच गोत्र था उच्च गोत्र में बदल गया, सब कुछ वही का वही रहा, चेंज हो गया, बस फाइल चेंज हो गई, मालिक दूसरा हो गया, वही का वही सारा एग्रीमेंट वही है, उतना ही सब कुछ होना है, बस पाप का उदय आना था पुण्य का, संक्रमण उसको तो कह रहे हैं अभी घटना बढ़ना नहीं कह रहे हैं, जैसा है जैसे जितने समय उदय आने वाला था पाप उतने समय को उदय आएगा पुण्य, जितनी ताकत से पाप उदय में था उतनी ताकत से, हाँ अरे ये तो अपन ने अच्छा वाला केस बताया, अब उल्टा वाला भी केस समझ लेना, पुण्य पाप में भी संक्रमित हो सकता है, अच्छे परिणाम किए यहाँ खूब बढ़िया नीचे जाके सोचो कहाँ चक्कर में फंस गए, किसी के से भाव हो सकता है, तो वो सारा का सारा परिणाम बिगाड़ के पुण्य का पाप में भी संक्रमित हो सकता है, ये तो ऐसे ही है, देखो परिणाम तो बदल जाते हैं क्षण क्षण, तो पुण्य पाप में भी संक्रमित हो सकता है,
अभी ये तो पक्का है, अभी इतने काल जो भी बांध रहा कुंडी बांध रहा छह 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 तो छह अलग किए थे ना, अभी तो अपन संक्रमित ही करा रहे हैं। कितने हो गए ये? तीन संक्रमण हो गए ना, चार हो गए। अब देखो अपकर्षण, अपकर्षण माने रहे तो वही को वही, पाप का पाप ही रहे, नीच गोत नीच ही रहे, लेकिन जो उसकी स्थिति थी और अनुभाग था वो कम हो जाए, स्थिति अनुभाग घट जाना, घट जाने को कहते अपकर्षण। क्या हो गया? वो घट गया, उसका नाम अपकर्षण। दस साल तक उदय आने वाला था, पांच साल तक उदय चला, उसकी स्थिति घट गई। काय के दिवस से परिणाम ऐसे किए, परिणामों में विशुद्धि हुई तो पाप बदल के पुण्य तो नहीं हुआ, लेकिन पाप की स्थिति घट गई और शक्ति भी उसकी घट गई। क्या बहुत उत्कृष्ट जाति के परिणाम होते तो पाप पुण्य भी बदल जाता, लेकिन अति उत्कृष्ट जाति के शुभ परिणाम भी थे। तो इतना ही हुआ कि पाप आया तो उदय में, लेकिन कम साल काल के लिए आया और कम शक्ति से आया, स्थिति और अनुभाव घट गया। हाँ नरक आयु श्रेणी की राजा की संक्रमण नहीं हुआ, आयु में संक्रमण नहीं होता ना, क्योंकि आयु जो एक बार बन जाती है अगले भोग की उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इतना हुआ उनके कि अपकर्षण हो गया, 33 साल की आयु को अपकर्षण करते 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 84,000 वर्ष इतना कर लिया अपकर्षण। इसका उल्टा भी है उत्कर्षण, कोई परिणाम किए पाप रूप और खोटे परिणाम किए पाप रूप, उसकी स्थिति बढ़ा ली। 10 साल उदय में आने वाला 100 साल आएगा, फल देने की शक्ति उसकी थोड़ी थी अब अधिक होगी। क्या नीम कांजी विष हलाल विष ऐसे चार मेरे इसके फल देने की शक्ति, नींबू भी गढ़वा होता है, नींबू में भी ऐसे होता है कांजी विष हलाल विष, फल लाल देने की शक्ति में अंतर है कि एक से चार, नींबू कांजी विष और हलाल विष पोटेशियम साइनाइड और सल्फास की गोली। मतलब ये जहर के उदाहरण दे रहा हूँ भैया, ये वो चक्कर वाले काम ही नहीं थे सर। ये सब मैंने विष के विष ना, तो वो विष कम विष वाला है कौन सा जो गोली है वो, और ये पोटेशियम साइनाइड हलाल विष खत्म, टेस्ट नहीं बता सकता उसे कोई क्या टेस्ट है, हलाल विष है ना तो कितना तीखा है, हलाल विष तीखा है, विष कम तीखा है, कांजी और कम तीखी, नींबू और कम तीखी, तो फलदार लेने की शक्ति में अंतर है। इसके उदाहरण दिए अस्थि ए पत्थर सॉरी पर्वत, अस्थि पर्वत शेल अस्थि दारू और लता, शेल अस्थि दारू और लता, लता होती है सबसे कोमल होती है, दारू होती लकड़ी का अच्छा, दारू माने वाली दारू नहीं, दारू माने लकड़ी का अच्छा वो होता है, तना तने से भी और स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा वो होता है, मतलब वो एकदम नहीं मुड़ता, लता तो एकदम मोल्ड हो जाती है, और एक अस्थि अस्थि और मोल्ड नहीं होती, पत्थर पर्वत मोल्ड मोल्ड क्या होता है, कुछ मोल्ड नहीं होता, ऐसे चार मेरे एक घातिया कर्मों के अनुभाग के चार उदाहरण है, और अघाती कर्म के पाप के अनुभाग के वो नीम हलाल विष और वो सब उदाहरण है, और पुण्य के भी चार उदाहरण है गुड़ खांड शर्करा अमृत, गुड़ का गुड़ रूप अनुभव मिठास तो चारों में, गुड़ में भी खांड में भी शक्कर में भी अमृत में भी, लेकिन तारतम्य भेद है, अमृत ज्यादा मीठा है शक्कर और कम है, खांड और अमृत का असली में अमृत नहीं होता, अमृत का अच्छा पौष्टिक कोई मीठा बना हो, तो चारों की तारता मिला है मेरे की ऐसे पुण्य के अनुपात अनुभाव में भी भेद, ये पुण्य के अनुभाव के उदाहरण है, पाप के दिए थे और घातिया कर्मों के अस्थि दारू लता शेर, ठीक है सारी समझ में ही नहीं आनी। तो स्थिति बढ़ जाना मैंने वो नींबू रूप से उदय आ रहा था, अब वो कैसे आएगा विष या हलाल विष, तो पाप और पुण्य दोनों में सब में लगा लगा, माने उत्कर्षण अपकर्षण सब में लगेगा, ये संक्रमण भी सब में लगेगा,
पाप से पुण्य भी हो सकता है, पुण्य से पाप भी हो सकता है। ऐसे पुण्य की भी स्थिति घट सकती है, पाप की भी स्थिति घट सकती है। पुण्य की स्थिति बढ़ भी सकती है, पाप की स्थिति बढ़ भी सकती है। बढ़ने होगा कितने? उत्कर्ष, बढ़ने का नाम है उत्कर्ष। ठीक है, तो तीन और तीन छह हो गए, छह हो गए। अब चार और बच्चे देखो, एक है उदीर्णा। उदीर्णा माने जिसका जब उदय आने वाला हो उसके पहले ही वो उदय में आके फल दे दे। फल तो देगा लेकिन वो टाइम के पहले आ गया, जैसे वो आने वाला था 48 समय में, लेकिन अपने भाव ऐसे किए अपन ने कि उसको अपन ने पहले ही भोग लिया, टाइम के पहले ही भोग लेना, वो क्या है? उदीर्णा। जैसे घर जाके सोते ही सही अपन नहीं निद्रा की उदीर्णा। तो ऐसे उदीर्णा है ये, अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण उदीर्णा पाप और पुण्य सब गए, सभी कर गए। चार और तीन कितने हो गए? चार। ये थे निधत्ति, निकाच। निधत्ति में क्या है कि निधत्ति में उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है लेकिन संक्रमण और उदीर्णा नहीं होती। माने जो कर्म अपने बांधा है तो इतने खोटे परिणाम से बांधा कि वो पाप है तो पाप ही रहेगा, पुण्य में नहीं संक्रमित होगा, उसमें संक्रमण होने की योग्यता ही नहीं है। और वो समय से पहले फल नहीं देगा, जब समय आएगा तभी फल देगा। ऐसा उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, कम ज्यादा कर सकते हैं, प्रकृति चेंज नहीं होगी उसकी, वो कहलाता है निधत्ति कर। और एक निकाचित, निकाचित में कोई चेंज नहीं होगा, जब उदय आएगा तभी आएगा, परिवर्तन नहीं होगा उसमें, पाप पुण्य परिवर्तन नहीं होगा, पुण्य पाप नहीं होगा, ना उसकी स्थिति घटेगी ना उसकी स्थिति बढ़ेगी, जैसा बांधा है कैसी उदय आएगा। ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये तो अच्छे से अच्छे पुण्यात्माओं को ही छोड़ता है, चाहे वो तीर्थंकर का जीव हो, उत्सर्ग होने लगते हैं बच्चों पर। पुण्य तो दोनों ही है लेकिन पाप की तरफ से बात करो तो कितना खतरनाक है ना। माने इधर कितना विशुद्ध जीव, 10 भावों से उसने इतनी आत्मा की साधना की, आराधना की, और 10-10 भाव में हर भाव में वो उनको मार रहा है, और उसके बाद में जो तीर्थंकर हो गए हैं, मुनिराज हो गए हैं, इतने उत्कृष्ट जी हो गए, तो भी उदय ने नहीं छोड़ा, पत्थर बरसा रहा है उत्सव। उसके पहले भाव में तो वो उनको तीर से मार दिया, अजगर बन के खा गया, सांप बन के काट खाया, कभी क्या मैंने उत्सव की उत्सव वो जीव ने कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व का कोई बांधा हुआ था ऐसा निकाचित रूप से, तो उदय में आता रहा। क्योंकि धर्म के निमित्त से जो भी काम होता है, देखो मुनि दर्शक मुनि मिथ्यात्व के बंध का कारण क्या बनो, केवली शुद्ध संग धर्म और देव, इनका अवर्णवाद करना मैंने इनमें दोष लगा। अब वो क्या केवली भगवान है और ये बिल्कुल वीतरागी है, वीतरागी को रागी बना ना, तो वो मूल धर्म का घात करने वाला होता है, महा मिथ्यात् कर्म का बंध होता है। ये सब मतलब धर्म में के क्षेत्र में थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो उसका फल बहुत खतरनाक होता है। वो तो तीर नहीं 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 बुद्धि बुद्धि पूर्वक ही होते हैं सब काम, जैसे परिणाम तीव्र होते तब होते हैं सब। अब बुद्धि पूर्वक में तो उसके बहुत हल्का कर्म बनता है, मतलब अबुद्धि पूर्वक हो जाए गलती एकदम अज्ञात भाव से मंद कषाई भाव से जान करके तो वो तो परिणाम ऐसे खोटे हैं, इतने भयंकर तो खोटे परिणाम से
पर अज्ञान से जो होता है, कोई क्या है, कभी कभी किसी की सोच ही ऐसी उल्टी हो जाती है, क्या कर, जैसे कोई आदमी को ऐसा लगता है कि यही काम अच्छा है, मैंने काम छोटा है उसको काम अच्छा लगने लग जाता है, तो ऐसा नहीं है कर्मबंधन से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी को यदि मांस खाना अच्छा लगता है उसकी बुद्धि में सब सही है, तो क्या वो कर्मबंधन से बचेगा, बल्कि अज्ञान कौन बंधेगा उसको, ज्ञान करो सच्चा, किसी की बुद्धि ठस हो तो क्या करें इसको, तो बुद्धि ठस है तो ठस बुद्धि तो ऐसा नहीं है उसको कर्मबंधन नहीं होगा, कर्मबंधन तो पूरा होगा उसको, कर्मबंध तो ऐसा है देखो, ये जीव के परिणामों का बिल्कुल असली चिट्ठा है, जैसे भाव करेगा उसे बन, और बिल्कुल हमारे भाव के हिसाब से इसका आगामी काल में ऐसी स्थिति बनती है, अपकर्षण उत्कर्षण ये सब स्थिति बनती ही रहती है, हमारे जो जो भी आगामी काल में उदय आने वाले होते हैं हमारे वर्तमान परिणामों के निमित्त से उन पूर्वबद्ध कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण सब स्थिति बन जाती है। कितने हो गए, नो लास्ट उपशम, उपशम माने जो उपशम होता है उपशम करण, भाई कर्म को दबा देना, उदय में नहीं आना पहले, मतलब उसको पहले उदय आने योग्य नहीं करना, जो जिस काल में उदय आएगा उसी काल में आएगा, उसके पहले उदय में नहीं आना, उसको उसकी इस रूप अवस्था करना कि वो पहले समय से पहले उदय न आए, समय से पहले उदय आना तो उदीर्ण है, वो समय पे ही उदय आए वो क्या है उपशम, उपशम करण माने जो जहाँ बैठा है वो वहीं रहेगा, जिसका जो टाइम है जिस टाइम पे वो कर्म उदय में आएगा वो उसी टाइम पे आए, आगे पीछे उदय में नहीं आए, इसका नाम क्या उपशम, उन्हें दबा दिया, जब आओगे तब दिया, ठीक है। ऐसी कर्मों की कितनी अवस्थाएं हैं, 10 अवस्था, बंद उदय सत्ता संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा निरति निकाची और उपशम, ये कर्मों की 10 अवस्था। ये पूरा ऑटोनॉमस है या इसमें अपना अपने परिणाम के तौर पर में हर में लगेगी, सब में लगेगी, सब में लगेगी, सबों में, मतलब देखो क्या है कि हम हमारे जब तक मिथ्यात्व, जब तक मिथ्यात्व है उसके बाद दिखे, इस जीव को आयु कर्म के अलावा सात का बंध तो निरंतर होता है, बंध के अलावा उदय में आना और उदय भी सातों का चल रहा था, देखो ये सब चलता है क्या, हाँ 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 सब चलता था, घटना बढ़ना जो भी जिस प्रकृति में होगा उसमें होगा, लेकिन परिणामों के निमित्त से सब व्यवस्थाएं बनती रहती है, जैसे अपने बिजनेस में होता है प्लस माइनस लेन देन ये वो ये इसका हिसाब है, प्रत्येक समय के परिणामों के निमित्त से सब व्यवस्था बनती है। देखो ऐसा है कि देखो जो कुछ उसने भाव किए उन भाव से जो बांधा है वो तो रहेगी ना, कोई प्रबल पुण्य पाप का उदय आया उसको परिणाम बिगड़ेगा, उस परिणाम बिगड़ने के निमित्त से उसको उतने काल पाप बनेगा, आयु के अंत में उसके खोटे परिणाम रहे तो फिर अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उसने वास्तव में धर्म किया कि था क्योंकि क्या है कि ये रूढ़ी वाला धर्म अलग चीज होती है और समझ के वो धर्म करना अलग, तो धर्म करने का अपन क्या समझते, धर्म करना मतलब रोज मंदिर आते थे तो बचपन से वो एक प्रैक्टिस भी था उनके, इसलिए आते थे, बाकी समझ क्या थी उनकी, परिवार में आसक्ति कितनी घटी थी, क्या मकान जायदाद रुपया पैसा इनमें मोह कितना घटा था, स्त्री पुत्र के प्रति आसक्ति राग भाव कषाय परिणाम क्या हुआ था उनके जीवन में, कुछ नहीं, वो तो सब ऐसे ही चलता था, तो वो हुआ क्या था, कुछ नहीं हुआ था, हाँ इतना है कि भगवान जी के पास आए तो पुण्य बांधा है, कदाचित आयु बिगड़ मतलब अंत समय बिगड़ भी जाएगा, देव बढ़िया में चले जाएंगे, छोटे मोटे देव बन जाएंगे, क्या ही जाति के देव में तो बहुत सारी वहाँ पे वेराइटी है, वहाँ पे सब तरह की, तो वो सब बन जाएंगे, पर इससे ज़्यादा मतलब इसलिए तो कहते हैं कि ये जो है वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से जो जीव का कल्याण होता है ऐसा कल्याण वो किसी काल से, वो
दूसरी बात अपन मंदिर अपन वगैरह जो भी करते हैं वो सबका उसका उद्देश्य ये कि अपने को रत्न त्रय की प्राप्ति हो, बोधि लाभ हो, ये प्राप्त बोधि का लाभ हो, सम्यक बोधि माने सम्यक ज्ञान का लाभ हो, ये सब हाँ क्या नहीं वो मरण बिगड़ना एक अलग चीज है और पाप का उदय आना अलग चीज है। देखो पाप का उदय आना और परिणाम बिगड़ना इन दोनों में अंतर है। पाप का उदय कैसे आए शरीर में रोग आ गया लेकिन परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। परिणाम बिगड़ते हैं तो वो जीवन गड़बड़ है। मेरे समझ लो लोक में अपयश हो, निंदा हो, मेरे को बीमारी आ जाए, सब पैसा लूट जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे परिणाम नहीं बिगड़े, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं, मेरा मरण नहीं बिगड़े, कुछ बिगाड़ नहीं मेरा, और वो मेरा परिणाम ही बिगड़ रहे हैं। बाकी दुनिया में भले मेरी बहुत यशस्वी कृति हो रही है, सब लोग मेरा उससे कुछ सुधार है। अपने परिणाम से खेल दुनिया में वो उसे पाप का उदय आने से बिगाड़ नहीं है। मैंने यही तो कहा था पाप भाव से बिगाड़ है, पाप के उदय से बिगाड़ नहीं है। पाप भाव बुरा करते हैं, पाप का उदय बुरा नहीं करते। ठीक है, दस अवस्था हो गई, अपने लगभग कर्म का चक्कर पूरा हो गया। अब अपन कल से नया चैप्टर लेंगे, कौन सा चैप्टर? वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, हर समय में कितने बनते हैं, कितने उदय आते हैं, अपने कितने बन रहे हैं हर समय में? सात, सात बनते हैं। आयु कभी कभी बनता है 1/3 के टाइम, और उदय कितने का चल रहा है अपने को? कौन से का उदय नहीं है? आयु का उदय भी होगा जिस समय, तो आयु का भी उदय है, उदय 8 का है, बंद 7। सत्ता कितने की? सत्ता स्टॉक, अरे आठों की सत्ता है। जिसका उदय आता है ना, प्रिंसिपल ध्यान रखना, उदय यदि तो सत्ता तो है ही, बिना सत्ता के उदय कैसे आएगा? स्टॉक नहीं होगा तो खाएगा ही क्या सर?